सो गाइस, आज का जो मैच है आईपीएल का 15 मैच, और दोस्तों आज जो आरसीबी और लखनऊ के बीच खेला जाएगा, और दोस्तों इस मैच में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दोस्तों जो ये मैच होने वाला है वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम होने वाला है। सो यहाँ पे दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीजें बताऊंगा कि भाई आप कौन से प्लेयर्स के साथ आप अपना टीम को बना सकते हो, और भाई किस प्लेयर्स को आपको कैप्टन मान रखना है और किस प्लेयर्स को वाइस कैप्टन रखना है। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है। और आज का अगर आप इस मैच में अगर आप बड़े प्राइजेस को विन करना चाहते हो, या दोस्तों स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग अगर आप विन करना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि भाई आपको थोड़े से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जिससे आपको हिंस मिलने के बाद आप टीम बना सकते हो। सो यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना जो कि ड्रीम इलेवन ऐप को मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है, और यहाँ पे ओपन करके रखा है। और दोस्तों जो आज का जो मैच है ना, लखनऊ वर्सेस आप बेंगलोर के बीच आज मैच होने वाला है, और ये चेन्ना स्वामी स्टेडियम में होने वाला है। और दोस्तों अगर आप बात किया जाए इस पर सबसे ज्यादा स्कोर्स कितने बन सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पे चेन्ना स्वामी स्टेडियम का बात किया जाए, तो इस स्टेडियम में दोस्तों यहाँ पे जो रन बनेगा, इस ग्राउंड पर जो रन बनेगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पे दोस्तों 180 से लेकर यहाँ पे 210, 220, 230 तक बन सकता है हाईएस्टली, क्योंकि दोस्तों ये बैटिंग ग्राउंड है और बैटिंग ग्राउंड पर बहुत अच्छा खासा रन्स भी बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका एक साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो प्लेयर्स फर्स्ट में बैटिंग करेगा उसका परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट रहेगा। लेकिन दोस्तों उससे भी बेस्ट चीज ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई सेकेंड में बैटिंग करता है, लाइक अगर आप बेंगलोर फर्स्ट बैटिंग करता है और लखनऊ सुपर जायंट्स सेकेंड बैटिंग करता है, तो सेकेंड बैटिंग में भी दोस्तों इस पिच पर बहुत अच्छे से चेस हो जाता है। सो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि आप किस टीम के साथ जा सकते हो, अपना ड्रीम इलेवन पर टीम बना सकते हो, और कौन सा ऐसा आज के टाइम में बेस्ट कैप्टन्स और वाइस कैप्टन का ऑप्शन होंगे, इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों कि आज की इस वीडियो में आप कौन सा प्लेयर्स को रखोगे जो आपके लिए बेस्ट आपका पॉइंट टेबल में हो सकता है एकदम नंबर वन, जिससे भाई आप ग्रैंड लीग विन कर सकते हो और बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हो। सो यहाँ पे दोस्तों मैं अपना ड्रीम इलेवन ओपन कर लिया हूँ, और यहाँ पे ओपन करने के बाद दोस्तों मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भाई मैं आज किस टीम के साथ जाने वाला हूँ, कौन कौन से प्लेयर्स को मैं अपने टीम में आज सेलेक्ट करने वाला हूँ, ये सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। सो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, अगर आप यहाँ पे आज का जो मैच है दोस्तों, अगर आज के मैच में अगर आप स्टार्टिंग है जो भी टीम बैटिंग करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स अगर आप स्टार्टिंग के टाइम में बैटिंग करता है, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा यहाँ पे केएल राहुल के साथ जाऊंगा, और यहाँ पे डीकॉक को मैं ड्रॉप कर दूंगा। अब दोस्तों मैं इसलिए ड्रॉप करूंगा क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि कल जो नेक्स्ट मैच था, उस नेक्स्ट मैच में डीकॉक ने बहुत अच्छा खासा बैटिंग किया था, लेकिन दोस्तों बैटिंग करने के बाद फॉर्म में आ चुका है। लेकिन फॉर्म में आने के बाद ऐसा नहीं है कि फॉर्म में आने के बाद यहाँ पे आज भी मारेगा, दोस्तों आज मार भी सकता है लेकिन नहीं भी मार सकता है। इसको उम्मीद क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट हैंड बैट्समैन है क्विंटन डिकॉक, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो बॉलर है आरसीबी के, और यहाँ पे मोहम्मद सिराज ये बहुत घातक साबित होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्विंटन डिकॉक को नहीं रखूंगा। सो फाइनली मैं कौन कौन से प्लेयर के साथ आज का जो ड्रीम इलेवन टीम रहेगा मैं कैसे रखूंगा, चलिए इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं आज का जो टीम लगाऊंगा दोस्तों, मैं यहाँ पे आरसीबी के फेवर में लगाऊंगा, जो भी आरसीबी का प्लेयर्स होंगे उनको मैं बहुत ज्यादा अच्छा खासा यहाँ पे सिलेक्शन करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों आज का जो मैच है मेरे उम्मीद से लगता है कि आरसीबी भी विन करेगा, क्योंकि दोस्तों जो नेक्स्ट मैच हुआ था, और नेक्स्ट मैच जो हुआ था वो आरसीबी और केकेआर के बीच हुआ था, और आरसीबी ने उस नेक्स्ट मैच में यहाँ पे हार गया था, और दोस्तों हारने के बाद भी विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस था बहुत ही अच्छा था। तो सबसे पहले अगर हम विकेट कीपर्स की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे केएल राहुल को सिलेक्ट करता हूँ, और केएल राहुल को इसलिए लेके जाऊंगा क्योंकि भाई नेक्स्ट मैच जो हुआ था उसमें फ्लॉप था, और फ्लॉप होने के साथ साथ जो इनका अभी का रिसेंटली फॉर्म है बहुत ही अच्छा खासा फॉर्म है और बहुत ही अच्छा बैटिंग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं यहाँ पे निकोलस पूरन के साथ जाऊंगा, क्योंकि भाई निकोलस पूरन एक ऐसा यहाँ पे पांच नंबर में आते हैं, एक ऐसा बैट्समैन बन चुके हैं जो कि हर एक मैच में अच्छे खासा पॉइंट्स दे रहे हैं। सो इसके साथ साथ मैं यहाँ पे जाऊंगा, अगर आप फर्स्ट बैटिंग बैंगलोर करता है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा अनुज रावत के साथ, अगर सेकेंड बैटिंग करता है तो मैं यहाँ पे दिनेश कार्तिक के साथ जाऊंगा। सो ये मेरे तीन आज के यहाँ पे विकेट कीपर रहेंगे इसके साथ साथ बैट्समैन में। तो दोस्तों बैट्समैन में यहाँ पे हम विराट कोहली के को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे विराट कोहली के सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे हाफ रूट लिस्ट को ड्रॉप करता हूँ, क्योंकि दोस्तों इनका जो फॉर्म है रिसेंटली बहुत ही अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आज का जो मैचेज है यहाँ पे हो सकता है कि आज ये मार सकते हैं, सो यहाँ पे मैं इसके लिए रिस्क नहीं ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे विराट कोहली के साथ जाऊंगा, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे देवदत्त पाटीकल के साथ जाऊंगा, और इसके यहाँ पे एक और आता हूँ नीचे, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं आज का जो मैच है जो खेलने का चांस है आरसीबी की तरफ से, वो एस
साई को खेलने का चांस है। अगर ये नहीं खेलते हैं तो मैं इसके साथ ये बदोनी के साथ जाऊंगा। तो यहाँ पे तीन मैंने यहाँ पे विकेट कीपर को रख लिया, तीन बॉलर्स को रख लिया, तीन यहाँ पे बैट्समैन को रख लिया। अब दोस्तों ऑलराउंडर्स को बात करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे अगर शुरू का टाइम में बैटिंग करता है यहाँ पे आरसीबी, तो मैं यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल के साथ जाऊंगा, और इसके साथ साथ दोस्तों मैं यहाँ पे कुलान पांड्या के साथ जाऊंगा। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे बॉलिंग्स में आते हैं, तो बॉलिंग्स में आने के बाद मैं यहाँ पे मोहम्मद सिराज के साथ जाऊंगा, और मोहम्मद सिराज के साथ साथ मैं यहाँ पे अल्जारी जोसफ को लूंगा, और अल्जारी जोसफ के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं एम खान को लूंगा। दोस्तों मैं तीन बॉलर्स और मैं पूरा का पूरा टीम आपको दिखा देता हूँ, मैं किन किन टीम के साथ आज का ड्रीम इलेवन मैच खेलने वाला हूँ और भाई कैसा मेरा टीम रहेगा। और दोस्तों आपको अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ले यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है, तो जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे दोस्तों जो फाइनल टीम होता है उसे वहाँ पे मैं आज से मैं देना स्टार्ट करूंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि मेरा फाइनल टीम है ड्रीम इलेवन का, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीन के यहाँ पे विकेट कीपर, तीन यहाँ पे बैट्समैन, दो ऑलराउंडर और तीन बॉलर्स। तो ये दोस्तों आज का जो मेरा है ना आरसीबी वर्सेस लखनऊ के जो मेरा फाइनल टीम है जो कुछ इस तरीके का है। अब दोस्तों यहाँ पर लाइनअप के बाद हो सकता है कि इस टीम में थोड़ा बड़ा चेंजिंग होगा, क्योंकि जो भी दोस्तों प्लेयर्स खेलेंगे सब सब्स्टिट्यूट लेकर भी यहाँ पे मैं चेंज करूँगा।